हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल, कुकिंग चैनल इंडोवेज नॉनवेज में। तो फ्रेंड्स, मैंने आज एक यूनिक सी रेसिपी बनाई है और उसको मैं खा के आपको आज फर्स्ट टाइम रिव्यू देना चाहती हूँ कि ये कैसा बना है, क्योंकि ये मैंने पहली बार ऐसा बनाया, बिना प्याज के बनाया, बिना गर्म मसाले के चिकन बनाया। उसके साथ मैंने फ्रेंड्स थोड़े से वाले अचार वाले उसमें मैंने मिर्चें बनाई हैं। तो हम इन दोनों का टेस्ट करके देखेंगे एक साथ खाने में ये कैसा लगता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने मिर्चें बनाई है, पंचफोरन मसाला यानी जो अचार का मसाला होता है वो मैंने इसमें ऐड किया और दही के साथ बनाई है। इसकी रेसिपी भी मैं अलग से आपको दूंगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया लगती है। कोई सब्ज़ी घर में ना हो तो भी इसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे ट्राई करके खा के दिखाती हूँ बना कैसा है। तो देखिए फ्रेंड, मैं निकालती हूँ इसका शोरबा। सबसे पहले आप इसकी ग्रेवी, ये देखिए शोरबा कितना पतला, इसे आप राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ऑयल भी बहुत कम है फ्रेंड, मसाले भी ना के बराबर हैं, गरम मसाला है ही नहीं, प्याज है ही नहीं। चलिए टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये हमने मंगाई है कच्चे तंदूर की रोटी, मोटी वाली नहीं मंगाई हमने आज, थोड़ी पतली वाली होती है जो कच्चे तंदूर की होती है। तो देखिए फ्रेंड, चिकन तो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छे से गला हुआ है। इसे मैं आपको खा के दिखाती हूँ। कभी कभी फ्रेंड सिंपल चीज़ें भी खानी चाहिए। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसे आपको मिर्चों के साथ भी टेस्ट करके बताती हूँ। रेड चिली मिर्ची मैंने मोटी वाली ली है जो थोड़ी फीकी होती है, तो इसमें मैंने थोड़ी सी रेड चिली ऐड की है। अगर आप तीखी मिर्ची लें तो रेड चिली ऐड ना करें। अब मैं फिर से थोड़ा सा चिकन की बाइट लूँगी। और ये शोरबा, फ्रेंड आप इसको बनाएंगे, थोड़ा सा सलाद आप इसको बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा इसके टेस्ट के बारे में। इतनी यूनिक, इतनी बढ़िया, बिल्कुल हटके रेसिपी है। इसको मैंने तो नाम दिया है चिकन चिली। आप कोई और अगर अच्छा नाम आपको इसका लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चिली चिकन वैसे और अलग तरह के होते हैं, मैंने अपने स्टाइल में बनाया है। आप इसे अचारी चिली चिकन भी कह सकते हैं। ये तो आप खाने के बाद ही, बनाने के बाद ही, ट्राई करने के बाद ही बताएंगे। मुझे बहुत बेस्ट लगा। और मेरी रेसिपी को फ्रेंड्स अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा प्लीज़ फ्रेंड, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए मैं आपसे अगले ब्लॉग में या अगली रेसिपी में फिर से मिलती हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।